हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। आज हम इस प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल की। जो भी हमारे पास फ्यूल होता है, अगर वो सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल और प्रैक्टिकल यूज़ में लेकर आते हैं। उस फ्यूल को उतना ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, उतनी ज़्यादा उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। पहली बात करते हैं सूटेबिलिटी। जो फ्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए किसी भी यूजेज के लिए। जैसे कि हमारा जो कोक होता है वो बिटुमिनस कोल से निकाला जाता है, और जो कोक होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो हमारा जो भी फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ में उसकी जो यूजेज है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू की। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो उसकी हाई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, उतना ही ज़्यादा वो हमारा जो फ्यूल है वो एफिशिएंट होगा, उतना ही ज़्यादा हमें उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमारा यूज़ होता रहेगा आगे। नेक्स्ट बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की। पहले देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग स्मूथली। सबसे जो कम टेम्परेचर होता है किसी भी फ्यूल का, जो कि उसे बर्न करने में हेल्प करता है, सबसे कम टेम्परेचर जब फ्यूल बर्न करना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम होगा तो रूम टेम्परेचर से पहले ही बर्न करना शुरू कर देगा, और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम उसे हीट देते रहेंगे बट वो बर्न बहुत टाइम के बाद करेगा, तो हमारा वेस्टेज है फ्यूल, हीट की वेस्टेज है, तो कॉस्ट भी हाई हो जाएगी उससे। तो ये मॉडरेट होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट लो होना चाहिए। जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को उतना ही कम कर देगा। नॉन कम्बस्टेबल मैटर, ये भी कम होना चाहिए। नॉन कम्बस्टेबल मैटर जो कि बर्न ही नहीं हो सकता, जो कि बर्निंग को प्रेफर ही नहीं करता है, उसको कहते हैं हम नॉन कम्बस्टेबल मैटर। अब अगर ये होगा तो फ्यूल में क्लिंकर्स आ जाएंगे। क्लिंकर्स क्या होता है? क्लिंकर्स होता है, आप हिंदी में बोल सकते हो इसे, जब भी फ्यूल बर्न होता है तो उसकी जो राख होती है, राख में छोटे छोटे पत्थर, उसे कहते हैं क्लिंकर्स। अगर वो आ जाएंगे एक तो वो फ्यूल को बर्न नहीं होने देंगे पूरी तरह से, प्लस वो आ जाएंगे तो अब उसे डिस्पोज, उसे कहीं फेंकने के लिए हमें जगह नहीं मिलेगी इतने ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूस हम कुछ करेंगे तो इसलिए नॉन कम्बस्टेबल मैटर का कंटेंट कम होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ कम्बशन, वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से कम्बशन हो रहा है, वो मॉडरेट होना चाहिए। ना ज़्यादा तेज़ कम्बशन होना चाहिए कि मतलब बस हमने जलाया और फ्यूल जल के भुज भी गया, सब खत्म हो गया, फिर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी इतनी अमाउंट में। और ना बहुत ज़्यादा लेट होना, बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए इसकी वेलोसिटी कि हम एनर्जी देते जा रहे हैं बट फ्यूल बहुत धीरे धीरे बर्न हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। अगला आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनका नेचर हार्मफुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने में जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो गैसेस एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो ज़्यादा कंटेंट में, ज़्यादा परसेंटेज में बर्न हो प्रेजेंट हैं, वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, वरना वो फ्यूल अच्छा नहीं माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ फ्यूल पे आते हैं। कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए उसकी। कॉस्ट ही अगर ज़्यादा होगी फ्यूल ही नहीं खरीद पाएंगे। फ्यूल का ही कॉस्ट इतना ज़्यादा लग जाएगा तो मशीनरी है, सब कुछ है, तो कॉस्ट फ्यूल की कम होनी चाहिए और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, चीप रेट पर ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। अगली बात करते हैं स्मोक की। स्मोक कम निकलना चाहिए, धुआं कम निकलना चाहिए उसमें से। अगर धुआं ज़्यादा निकलेगा, एक तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, दूसरी चीज़ वो हमारे फ्यूल को बर्न होने से भी रोकेगा, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम कर देगा। अगला है पॉइंट कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस, लास्ट पॉइंट। जो हमारा प्रोसेस है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जो भी फ्यूल है वो हम आसानी से उसे बर्न कर पाएँ और आसानी से उसकी बर्निंग को रोक पाएँ, उसके कम्बशन को रोक पाएँ और उसके कम्बशन को बर्न कर पाएँ। इतनी चीज़ें उस फ्यूल में होनी चाहिए तो वो एक गुड फ्यूल हम कह सकते हैं उस फ्यूल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स की। फिजिकल फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स तीन हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैशियस फ्यूल्स। इन तीनों का कंपैरिजन वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में मिल जाएगा। बाकी इस प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही। अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे सॉलिड फ्यूल्स और लिक्विड फ्यूल्स की। तो
अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।